हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का एक ऐसा चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसकी ज़रूरत आपको ज़िंदगी भर पड़ेगी, प्रोवाइडेड दैट आप इंजीनियरिंग फील्ड में ही काम कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद बैंकिंग का कोर्स किया, बैंकिंग की एग्ज़ाम दी और बैंक में क्लर्क बोल के काम कर रहे हो। अगर ऐसा आपका कोई विचार है तो इस चैप्टर को आप लोग सिर्फ पासिंग पर्पस से पढ़ो। और अगर आपको कोर इंजीनियरिंग फील्ड में काम करना है, वेदर इट इज़ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सिविल, इनमें से कोई भी ब्रांच अगर आपका है तो आपको ये चैप्टर बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के बेसिक्स को। तो सबसे पहले इस चैप्टर का जो नाम है इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ये चैप्टर है आपका लैपलास ट्रांसफॉर्म। अब लैपलास नाम का एक सरफिरा साइंटिस्ट था जिसने कुछ तो उसके रिसर्च में ऐसा काम किया कि उसका टेंशन इंजीनियर्स लोगों को आ गया। मतलब क्या? तो लैपलास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म नाम के दो चैप्टर आप लोगों को पढ़ने हैं और इनका टेंशन आपको दिया गया है लैपलास नाम के साइंटिस्ट की तरफ से, इसीलिए मैंने बोला ठीक है। तो ये साइंटिस्ट था लैपलास जिसने ये प्रोसेस बनाया, जिसने ये ट्रांसफॉर्मेशन का मेथड फाइंड आउट किया, इसके लिए हम लोग इसे बोलते हैं लैपलास ट्रांसफॉर्म। तो लैपलास उसका नाम था तो हो गया। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या? व्हाट डू वी मीन बाय ट्रांसफॉर्मेशन? ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स कन्वर्जन, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में किसी को कन्वर्ट कर देना या तो कुछ नया बनाना किसी पुराने का यूज़ करके। मतलब कोई एक पुराना चीज़ है उसमें कुछ नया जोड़ तोड़ के, मरोड़ के, कुछ तो भी एक नई अलग सी चीज़ हम लोग बनाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे कि आप मेकअप करने के बाद एक ट्रांसफॉर्मेशन मिलता है आपके लुक को, राइट? इन द सेम मैनर। तो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब फ्रॉम वन मीडियम इंटू अनदर मीडियम कन्वर्जिंग समथिंग, ठीक है, कन्वर्जिंग समथिंग फ्रॉम वन मीडियम इंटू अनदर मीडियम, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन का एक जनरल बेसिक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, बहुत ही एक बेसिक डेली लाइफ का एग्जाम्पल देखते हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ पर मिल्क। अब दूध सभी को पता है, दूध में अगर मैं लेमन की कुछ बूंदें ऐड कर देता हूँ, अगर मैं दूध में नींबू एक दो चार बूंदें डाल देता हूँ तो क्या होता है? मिल्क का कन्वर्जन हो जाता है कर्ड में, राइट? तो मिल्क का मतलब दूध का अगर दही बनाना है तो उसमें हम लोग एक छोटा सा लेमन के कुछ दो चार बूंदें ऐड कर देते हैं। ठीक से देखो, मैं दूध का दही बोल रहा हूँ, दिमाग का दही मत करो, ठीक है। तो दूध में अगर लेमन की कुछ बूंदें डालेंगे तो कर्ड में कन्वर्जन हो जाएगा। दिस इज नथिंग बट अ ट्रांसफॉर्मेशन, वी हैव कन्वर्टेड द मिल्क इनटू कर्ड। अब देखो मिल्क का जो स्टेट है, फिजिकल स्टेट, मिल्क का फिजिकल स्टेट क्या है? तो वो है लिक्विड। और कर्ड का फिजिकल स्टेट क्या है? वो है सेमी सॉलिड, सेमी लिक्विड, ठीक है। उसे लिक्विड भी नहीं बोल सकते और सॉलिड भी नहीं बोल सकते, तो वो सेमी सॉलिड सेमी लिक्विड हो गया, ठीक है। तो मिल्क का एक ओरिजिनल स्टेट है जो लिक्विड है, उसको मैं कन्वर्ट करने जा रहा हूँ एक अलग सी स्टेट में, सेमी लिक्विड स्टेट में, और वो स्टेट है, उसका नाम है कर्ड। मिल्क का टेस्ट अलग है, थोड़ा सा स्वीट टेस्ट है, और कर्ड का टेस्ट अलग है, करेक्ट। तो ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन मीडियम इंटू अनदर। अब दोनों का बेस प्रोडक्ट तो एक ही है ना, दूध ही है बेस प्रोडक्ट। तो दूध को लेमन से अगर हम लोग प्रोसेस करते हैं, फर्मेंटेशन नाम का प्रोसेस होता है उसमें, तो उसका कन्वर्जन कहाँ हो जाता है? कर्ड में, या तो हम लोग दही बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। इन द सिमिलर मैनर अगर कोई फंक्शन है आपका, अब मैं टेक्निकल में बात कर रहा हूँ, अगर कोई आपका फंक्शन है, एक फंक्शन लिखता हूँ मैं एफ, ये फंक्शन डिपेंड करता है टाइम पर। अब फंक्शन टाइम पर डिपेंड करता है, एग्जाम्पल वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। क्या होता है वेलोसिटी? वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, करेक्ट। तो ये आपका वेलोसिटी जो फंक्शन है ये टाइम वेरिएबल फंक्शन है, मतलब टाइम अगर चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगी, करेक्ट।
तो टाइम अगर चेंज होने पे कोई फंक्शन का वैल्यू चेंज होता है तो हम उसे बोलते हैं टाइम वेरिएबल फंक्शन या तो टाइम डोमेन फंक्शन। डोमेन मतलब एक एरिया आपका जहाँ पे आप काम कर रहे हो, आपके अधिकार वाला एरिया, उसको हम लोग बोलते हैं डोमेन। ठीक है, तो कोई भी एक फंक्शन जो टाइम डोमेन में है या तो टाइम पे डिपेंड करता है, इस फंक्शन को अगर मुझे कन्वर्ट करना है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, या तो ऐसा फंक्शन जो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी डोमेन, या तो ऐसा फंक्शन जो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, तो मैं इस प्रोसेस के लिए, इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज करता हूं लैपलास ट्रांसफॉर्म। मैं क्या यूज करता हूं? लैपलास ट्रांसफॉर्म। तो लैपलास ट्रांसफॉर्म इन जनरल वर्ड्स इज अ प्रोसेस, इज अ मैथमेटिकल मेथड, मैथमेटिकल प्रोसेस विच इज यूज टू कन्वर्ट द टाइम डोमेन फंक्शन इनटू अ फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शन। फिर से एक बार बोलता हूं, लैपलास ट्रांसफॉर्म इज अ मैथमेटिकल मेथड और प्रोसेस विच इज यूज फॉर कन्वर्टिंग और ट्रांसफॉर्मिंग अ टाइम वेरिएबल फंक्शन इनटू अ फ्रीक्वेंसी वेरिएबल फंक्शन। करेक्ट। अब ये होता कैसे है, इसके लिए हमें उसका टेक्निकल डेफिनेशन देखना पड़ेगा। उसके पहले इसका एक रिवर्स प्रोसेस देख लेते हैं। मतलब क्या, अगर फ्रीक्वेंसी वाले फंक्शन को मुझे वापस से टाइम वाले फंक्शन में कन्वर्ट करना है, इफ आई वॉन्ट टू कन्वर्ट द फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शन इंटू अ टाइम डोमेन फंक्शन, तो मैं इस प्रोसेस का उल्टा प्रोसेस करता हूँ। इस प्रोसेस का कौन सा प्रोसेस करता हूँ? उल्टा। तो ये हो गया ऐसे इधर, और इस प्रोसेस को जो भी मैथमेटिकल मेथड से हम लोग करते हैं उसे बोलते हैं इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म। और दोस्तों ये हो गया आपके दो चैप्टर, चैप्टर नंबर 1 लैपलास ट्रांसफॉर्म, चैप्टर नंबर 2 इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म। अब इसको एग्जैक्टली मैथमेटिकल मेथड से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अब हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें देखना क्या है, तो डेफिनेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म, लैपलास ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन। तो लैपलास ट्रांसफॉर्म को जो नोटेशन यूज करते हैं वो नोटेशन होता है कैपिटल एल। तो कैपिटल एल जब भी आपको एक फंक्शन के पीछे दिखेगा आपको समझ लेना है कि आपको लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो कैपिटल एल। अब सेकेंड थिंग, लैपलास ट्रांसफॉर्म को जो फंक्शन आप लोग यूज करते हो उस फंक्शन को हमेशा आपको एक स्क्वेयर ब्रैकेट में रखना है। ठीक है, सो कोई भी फंक्शन स्क्वेयर ब्रैकेट के अंदर और उसके बाहर एल, इसका मीनिंग हो गया लैपलास ट्रांसफॉर्म। करेक्ट। सो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, अब कोई भी फंक्शन एफ ऑफ टी का लैपलास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं? कुछ नहीं है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, थोड़ा ध्यान से देखो। वही फंक्शन मैं लिखता हूं एफ ऑफ टी, उस फंक्शन को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं ई रेस टू माइनस एस टी इस नए टर्म से। तो एफ ऑफ टी इंटू ई रेस टू माइनस एस टी, और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसका हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का लिमिट होगा 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी, और वेरिएबल कौन रहेगा आपका? डी टी। ठीक है, तो ये हो गया आपका टेक्निकल डेफिनेशन, किसका? लैपलास ट्रांसफॉर्म का। तो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी फंक्शन एफ ऑफ टी इज डिफाइंड एज इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 टू इन्फिनिटी e रेस टू माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी इंटू डी टी। अब हमने जो जनरल एग्जाम्पल देखा था डेली लाइफ का, उसके साथ कंपेयर करेंगे। ये एफ ऑफ टी मतलब आपका मिल्क, मिल्क को प्रोसेस किया लेमन के साथ, फर्मेंटेशन नाम का प्रोसेस हुआ, मतलब इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ लेमन विथ मिल्क विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको बोलेंगे कर्ड। मतलब लैपलास ट्रांसफॉर्म इज नथिंग बट इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। याद रहेगा? श्योर। अब हम लोग चेक करते हैं कोई भी एक बेसिक फंक्शन उसका लैपलास कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब मैं टेक्निकल क्वेश्चन देने जा रहा हूं। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन फाइंड लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1। ये एक कॉन्स्टेंट नंबर है और इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म आपको निकालना है। तो सबसे पहले तो मैं अज्यूम करूंगा जो आपका फंक्शन दिया गया है
वो फंक्शन मुझे अज्यूम करना पड़ेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि आपको एल लिखा है पीछे, मतलब लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालना है. सो एफ ऑफ टी इज इक्वल टू वन. जो भी फंक्शन आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दिया है उसको अज्यूम कर लेना है एज एफ ऑफ टी. अब ये फॉर्मूला जो है आपका लैपलास ट्रांसफॉर्म का, इस फॉर्मूले में हम लोग ये वैल्यू पुट अप कर देंगे. तो मैं लिखता हूँ लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन इज इक्वल टू, बोलिए डेफिनेशन, इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी. अब दोस्तों जब भी कोई फंक्शन का लैपलास आपको निकालना है, ये इतना टर्म तो हमेशा सेम रहेगा, ये टर्म चेंज होने वाला नहीं है. कोई भी फंक्शन रहने दो, ये तो कांस्टेंट रहेंगी चीज़ें. इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी इन टू, अब आपका जो भी फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ टी, तो एफ ऑफ टी कौन है, वन, तो मैं यहाँ पे वन लिख देता हूँ, और डी टी आपका इंटीग्रेशन का. ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे इज इक्वल टू, अब ई रेस टू माइनस एस टी इन टू वन एज इट इज ई रेस टू माइनस एस टी, तो इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी डी टी. अब ई रेस टू माइनस एस टी का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मुझे पता है आपको याद नहीं है, मुझे लिखना ही पड़ेगा. ठीक है, तो ई रेस टू ए एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई रेस टू ए एक्स अपॉन ए, तो e का इंटीग्रेशन, e मतलब एक्सपोनेंशियल, सो एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन होता है, जो भी एक्सपोनेंशियल का फंक्शन है वो एज इट इज e रेस टू ए एक्स डिवाइडेड बाय x छोड़ के जो भी चीजें हैं, x को छोड़ के जो भी चीजें हैं कोएफिशिएंट ऑफ x, उससे डिवाइड कर दो आपके फंक्शन को. ठीक है, सो e रेस टू ए एक्स का इंटीग्रेशन होता है e रेस टू ए एक्स अपॉन ए. तो अब इस फॉर्मूला से मैं आगे लिखता हूं इज इक्वल टू e रेस टू माइनस एस टी एज इट इज डिवाइडेड बाय आपका t का कोएफिशिएंट. कौन है t का कोएफिशिएंट, माइनस s, जो भी है प्लस लिखो, माइनस है माइनस लिखो. सो e रेस टू माइनस एस टी का इंटीग्रेशन हो गया e रेस टू माइनस एस टी अपॉन माइनस s, इसको हम लोग लिखते हैं ब्रैकेट में, और अब इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन के लिमिट्स यहाँ पे पुट अप कर देंगे जीरो टू इन्फिनिटी. करेक्ट, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू, अब देखो दोस्तों यहाँ पे दो टर्म्स है, एक है टर्म ऊपर न्यूमरेटर में, एक टर्म है नीचे डिनोमिनेटर में. डिनोमिनेटर में टी दिख रहा है क्या आपको, टी टी मतलब वेरिएबल दिख रहा है, नहीं, तो इस टर्म को मैं कांस्टेंट बोलूँगा माइनस एस को और बाहर लिख दूंगा. अब ये डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में लिखो माइनस एस, और ऊपर कुछ नहीं है तो वन आएगा, तो वन अपॉन माइनस एस मैंने बाहर लिख दिया, और अब ब्रैकेट में मैं लिमिट पुट अप करूंगा. लिमिट कहाँ पे पुट करना है, टी की जगह पर, क्यों, क्योंकि आपका डी टी से इंटीग्रेशन दिया गया है. ठीक है, सो डी टी मतलब आपको टी के जगह पे आपके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख देने हैं. सो ई रेस टू माइनस, एक सेकेंड थोड़ा अच्छा लिखता हूँ, बहुत गंदा हो गया वो ई, तो ई रेस टू माइनस एस और टी की जगह पे इन्फिनिटी माइनस, ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ई रेस टू माइनस एस इन टू जीरो. कुछ नहीं है, सेम फंक्शन है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखना है इज इक्वल टू, ये माइनस मैं ऊपर लिख देता हूँ माइनस वन अपॉन एस, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. अब ई रेस टू माइनस एस इन टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इन टू एनीथिंग क्या होता है मीनिंग इन्फिनिटी, और फॉर्मूला होता है ई रेस टू इन्फिनिटी का जीरो, और ई रेस टू जीरो का फॉर्मूला होता है वन, वैल्यू होता है वन. ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज मैं इधर पुट अप कर देता हूँ, ई रेस टू इन्फिनिटी का वैल्यू हो गया जीरो, और ये ई रेस टू जीरो का वैल्यू हो गया माइनस वन. ये माइनस वन वैल्यू नहीं है, ये माइनस इधर वाला है और ई रेस टू जीरो का वैल्यू वन. ठीक है, इज इक्वल टू जीरो माइनस वन माइनस वन, ये वाला माइनस और ये माइनस कैंसिल, और आंसर रहेगा वन अपॉन एस. अब ये किसका आंसर है, ये आंसर है आपके लैपलास का. सो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन फंक्शन वन इज इक्वल टू वन अपॉन एस. देखिए दोस्तों जो भी टी वाला फंक्शन था उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया है एस वाले फंक्शन में. तो इस प्रोसेस के लिए जो भी मैथमेटिकल मेथड यूज हुआ उसको हम लोग बोलते हैं लैपलास ट्रांसफॉर्म. इतना सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है आपको लैपलास ट्रांसफॉर्म में. आपका फंक्शन जो है उसको ई रेस टू माइनस एस टी से मल्टीप्लाई कर दो, इंटीग्रेशन कर दो जीरो से इन्फिनिटी तक, बात खत्म, आपको मिल जाएगा आपका लैपलास ट्रांसफॉर्म. अब ये जो मैंने लिखा है ना दोस्तों, क्या लिखा है मैंने, ये वाला, ये क्या है बताइए मुझे, ये क्या है,
ये मेरा लैपलास का पहला वाला फॉर्मूला है। ऐसे टोटल 9 से 10 फॉर्मूले आपको सीखने हैं। सबसे पहला फॉर्मूला लैपलास का, प्रॉपर्टी बोलो, फॉर्मूला बोलो, या तो क्या बोलते हैं, और आइडेंटिटी बोलो, लैपलास ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन एस। अब ये जो था आपका 1, ये 1 तो एक कॉन्स्टेंट नंबर था, मतलब 1 की जगह पे अगर कोई भी नंबर आएगा दूसरा, लाइक लैपलास ऑफ के, के मतलब क्या, एक कॉन्स्टेंट, तो लैपलास ऑफ के का फॉर्मूला मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ के अपॉन एस। ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड फॉर्मूला। अब नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, लैपलास ऑफ ई रेस टू ए टी। तो क्या हो रहा है, इसको बंद करना पड़ेगा। ओके, तो नेक्स्ट फॉर्मूला मैं लिखता हूँ लैपलास ऑफ ई रेस टू ए टी। अब ये ए टी नाम का जो भी फंक्शन रहेगा ना, या तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहेगा ना, उसका लैपलास कैसे निकालते हैं। तो लैपलास ऑफ ई रेस टू ए टी इज नथिंग बट 1 अपॉन एस माइनस ए। क्या होता है ई रेस टू ए टी का लैपलास, लैपलास ऑफ ई रेस टू ए टी इज इक्वल टू 1 अपॉन एस माइनस ए। अब ये ऊपर वाला जो प्रोसेस था ना, सेम प्रोसेस से आप इन सभी फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हो। अब मैंने सिर्फ एक यहाँ पे करके दिखाया था आपको, आपको बाकी के अगर देखने हैं तो बुक में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसमें ज़्यादा टाइम या ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे लैपलास ऑफ ई रेस टू माइनस ए टी। अब देखो दोस्तों, इन दोनों फॉर्मूला को थोड़ा कंपेयर करो, सिर्फ चेंज क्या है, पावर में ए की जगह पे माइनस ए है। तो अगर यहाँ पे प्लस ए था तो यहाँ पे माइनस हो गया। तो सेम मेथड से यहाँ पे ई रेस टू माइनस ए टी का लैपलास आएगा 1 अपॉन एस प्लस ए। क्या आएगा, ई रेस टू माइनस ए टी का लैपलास 1 अपॉन एस प्लस ए। याद रखने के लिए बहुत ही सिंपल है, ई रेस टू प्लस है तो यहाँ पे माइनस, ई रेस टू माइनस है तो यहाँ पे प्लस, करेक्ट। अब नेक्स्ट फॉर्मूला लैपलास ऑफ, एक्सपोनेंशियल हो गया, अब ट्रिग्नोमेट्रिक में जाएंगे। तो लैपलास ऑफ साइन ए टी, अब मुझे बताइए यहाँ पर वेरिएबल कौन है, वेरिएबल है टाइम, तो ए कौन है, तो ये ए है आपका कॉन्स्टेंट। तो साइन ए टी, इसमें लैपलास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। याद रखने के लिए बहुत ही सिंपल है, साइन अगर होगा तो ऊपर आएगा ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नेक्स्ट फॉर्मूला है लैपलास ऑफ कॉस ए टी, लैपलास ऑफ कॉस ए टी मतलब कॉस फंक्शन है। अब फिर से यहाँ पर वेरिएबल कौन है, टी, और कॉन्स्टेंट कौन है, ए। तो अगर कॉस है तो याद रखने के लिए आसान, कॉस, कॉस मतलब एस, तो एस ऊपर, कैसे याद रखना है, कॉस एस, तो एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जैसे हमने ई में एक लॉजिक लगाया था ना, ई के पावर में अगर प्लस ए है तो यहाँ पे माइनस, अगर ई के पावर में माइनस है तो यहाँ पे प्लस। सेम वे साइन और कॉस का फॉर्मूला याद रख सकते हैं, साइन अगर होगा तो ऊपर रहेगा ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और अगर कॉस है तो कॉस एस, तो एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसके बाद जो दो फॉर्मूले हमें सीखने हैं उनके लिए थोड़ा सा लॉजिक यूज करना है। लॉजिक क्या है, देखो, लैपलास ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी, क्या लिख रहा हूं मैं, देखो, लैपलास ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी इज इक्वल टू, अब साइन का ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया और ये हाइपरबोलिक फंक्शन हो गया। हाइपरबोलिक मतलब साइन के बाद में एच साइन आता है, ठीक है। तो साइन हाइपरबोलिक और साइन ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला सेम है, एक छोटा सा डिफरेंस है, मैं लिखता हूं फिर आपको समझ में आएगा। तो साइन हाइपरबोलिक ए टी का लैपलास, साइन है मतलब ऊपर ए, डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। समझ में आ गया लॉजिक, अगर सिंपल वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो नीचे आएगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और अगर हाइपरबोलिक वाला, सॉरी, और अगर हाइपरबोलिक वाला फंक्शन है तो नीचे आएगा माइनस। फॉर्मूला सेम, साइन है मतलब ए, ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हाइपरबोलिक। और नेक्स्ट फॉर्मूला है लैपलास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक। अब कॉस हाइपरबोलिक ए टी, इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखूं मैं,
लॉजिक तो ऊपर का सेम रहेगा, कॉस एस, तो एस अपॉन एस स्क्वायर, और हाइपरबोलिक है इसलिए माइनस ए स्क्वायर। ये याद ही रखना है, ये 9 से 10 फॉर्मूला की एक छोटी सी लिस्ट है, ये अगर याद रखोगे मैं गारंटी देता हूँ लैपलास में आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है, ये हो गया लैपलास ऑफ साइन कॉस, साइन हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये है लैपलास ऑफ टी रेस टू एन, लैपलास ऑफ टी रेस टू एन, टी कौन है आपका वेरिएबल, तो वेरिएबल रेस टू एन मतलब इंटीजर वैल्यू कोई भी इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एस रेस टू एन प्लस वन। अब एन फैक्टोरियल का मतलब क्या दोस्तों, समझो एग्जाम्पल के लिए थ्री फैक्टोरियल में बोल रहा हूँ, तो थ्री फैक्टोरियल क्या होता है, थ्री से छोटे वाले नंबर का मल्टीप्लीकेशन, तो थ्री के छोटे वाले नंबर थ्री इंटू टू इंटू वन इज इक्वल टू थ्री इंटू टू सिक्स, तो थ्री फैक्टोरियल का आंसर हो गया सिक्स। सिमिलर फाइव फैक्टोरियल अगर मैं पूछता हूँ तो फाइव फैक्टोरियल क्या होगा, फाइव फोर थ्री टू वन, और सबका क्या मल्टीप्लीकेशन, तो फाइव फोर ज़ा ट्वेंटी, ट्वेंटी थ्री ज़ा सिक्सटी, सिक्सटी टू ज़ा वन ट्वेंटी, तो 120 ये आपका आंसर आएगा 5 फैक्टोरियल का। समझ में आ रहा है, तो ये हो गए आपके फॉर्मूले, क्या क्या फॉर्मूले थे, लास्ट वाला फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, वो था लैपलास ऑफ टी रेस टू एन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एस रेस टू एन प्लस वन। तो ये बेसिक फॉर्मूले है आपके। हाँ, टी रेस टू एन के लिए और एक फंक्शन है, और एक फॉर्मूला है जो कि गामा फंक्शन पे डिपेंड करता है, लेकिन उसे हम अभी अगर सीखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो फिलहाल के लिए एक ही फॉर्मूला याद रखो, टी रेस टू एन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एस रेस टू एन प्लस वन, याद रहेगा, तभी फॉर्मूला की सीरीज याद रहेगी। अब आपको इस वीडियो को जगह जगह पर पॉज करके जो भी चीज़ें मैंने बोली थी, जो भी इम्पोर्टेंट मतलब स्क्रीन पे जो भी है सभी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो स्क्रीन पे जो भी कुछ लिखा है सभी चीज़ आपके नोटबुक में आपको लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका लिस्ट। अब मैं कुछ बेसिक सिंपल न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला न्यूमेरिकल हम लोग लेंगे, नंबर वन, फाइंड लैपलास ऑफ थ्री। अब लैपलास ऑफ थ्री मतलब लैपलास का फॉर्मूला कौन सा, लैपलास ऑफ कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट अपॉन एस, तो थ्री का लैपलास क्या आएगा, थ्री अपॉन एस, करेक्ट। नंबर टू, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल, ये एग्जाम में नहीं आने वाला, हाँ हलवा नहीं है, ठीक है, लैपलास ऑफ ई रेस टू टू टी। अब लैपलास ऑफ ई रेस टू ए टी का फॉर्मूला ऊपर जाएंगे देखेंगे, लैपलास ऑफ ई रेस टू ए टी क्या होता है, वो होता है वन अपॉन एस माइनस ए। माइनस क्यों आया, क्योंकि ऊपर प्लस है, ठीक है, तो सिमिलर वे यहाँ पे मैं लिखता हूँ वन अपॉन एस, अब प्लस टू है तो यहाँ पे माइनस टू, बात खत्म। नंबर थ्री, लैपलास ऑफ ई रेस टू माइनस थ्री टी, अब माइनस है तो नीचे क्या आएगा, प्लस, तो वन अपॉन एस प्लस थ्री, जो भी है माइनस थ्री है तो नीचे प्लस थ्री, ऊपर प्लस टू है तो नीचे माइनस टू, करेक्ट। नेक्स्ट फॉर्मूला, सॉरी नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर फोर, लैपलास ऑफ साइन टू टी, लैपलास ऑफ साइन टू टी। अब दोस्तों लैपलास ऑफ साइन ए टी का फॉर्मूला ये वाला, क्या है फॉर्मूला, लैपलास ऑफ साइन ए टी है ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइन टू टी, मतलब ए की जगह पे कौन है टू, तो ए की जगह पे मैं लिखता हूँ टू अपॉन एस स्क्वायर, ये सिंपल वाला ट्रिग्नोमेट्रिक है इसके लिए, प्लस, और ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है टू, टू का स्क्वायर मतलब फोर, ये होगा आपका आंसर। नेक्स्ट नंबर फाइव, लैपलास ऑफ कॉस टी, लैपलास ऑफ कॉस टी, अब कॉस अगर होगा तो कॉस एस, तो एस अपॉन एस स्क्वायर, सादा वाला ट्रिग्नोमेट्रिक है तो प्लस ए स्क्वायर, अब ए का वैल्यू कितना है यहाँ पर, टी के साथ में कौन है, कोई नहीं है, कोई नहीं है मतलब जीरो है, नहीं जीरो अगर होगा तो सब जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे, वन, ठीक है, तो ए का वैल्यू कौन है वन, तो एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर वन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल नंबर सिक्स, अब मैं हाइपरबोलिक के लेता हूँ एक एग्जाम्पल, लैपलास ऑफ साइन हाइपरबोलिक 5t। अब दोस्तों 5 और s में आपके फ़र्क दिखना चाहिए, साइन और 5, मतलब s और 5 में फ़र्क दिखना चाहिए। बहुत सारे लोगों का s कौन सा और 5 कौन सा, इसमें डिफरेंस ही समझ में नहीं आता, ठीक है। वो पर्पजफुली s आपको ऐसे गोल गोल बनाना है और 5 आपको ऐसा लिखना है, ये लाइन आपका 5 वाला स्ट्रेट रहना चाहिए, ठीक है। चलते हैं आगे, तो साइन हाइपरबोलिक 5t। अब हाइपरबोलिक है, पहले तो साइन है, साइन मतलब ऊपर a, ऊपर a, a का वैल्यू कितना है 5, तो 5 अपॉन s स्क्वायर, हाइपरबोलिक है इसके लिए माइनस, और a स्क्वायर, a मतलब 5, 5 का स्क्वायर 25। समझ में आया 5 और s में डिफरेंस क्यों दिखना चाहिए? क्यों? क्योंकि s अगर होगा तो वो cos का फॉर्मूला होगा, और अगर यहाँ पे 5 है मतलब ये साइन का फॉर्मूला है। समझ में आ रही है लॉजिक? यस। अब लास्ट नंबर 7, लैपलास ऑफ t रेस टू 4। अब t रेस टू 4 है, अब t रेस टू n का फॉर्मूला मैंने लास्ट में सिखाया था, ये वाला फॉर्मूला क्या था, लैपलास ऑफ t रेस टू n इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन s रेस टू n प्लस 1, करेक्ट। तो ये यहाँ पर मैं लिखूंगा लैपलास ऑफ t रेस टू 4 इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल अपॉन s रेस टू 4 प्लस 1। अब दोस्तों 4 फैक्टोरियल मतलब क्या, 4 से नीचे वाले सभी नंबर का मल्टीप्लिकेशन, तो 4 × 3 × 2 × 1 डिवाइडेड बाय s रेस टू 4 प्लस 1, 5। देखो s और 5 ये हमेशा आएगा इस चैप्टर में, s और 5 बहुत सारे जगह पे आपको दिखेंगे। तो 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24, तो 24 अपॉन s रेस टू 5, ये होगा आपका आंसर, लैपलास ऑफ t रेस टू 4। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अब आगे वाले वीडियोस में हम लोगों को लैपलास के कुछ प्रॉपर्टीज सीखने हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप स्टडिंग, कीप लविंग मैथमेटिक्स, थैंक यू।